नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। हर मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। यह अष्टमी तिथि 21 सितंबर को पड़ रही है। इस दिन काल भैरव के उपासक व्रत रखते हैं। काल भैरव भगवान शिव का रूप माने जाते हैं। इन्हें समय का भगवान भी कहा जाता है। काल यानी समय और भैरव का मतलब शिव का अवतार होता है। साल में कुल 12 कालाष्टमी व्रत पड़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कालाष्टमी माघ महीने में पड़ती है, जिसे भैरव अष्टमी भी कहा जाता है। कालाष्टमी व्रत तिथि और मुहूर्त। कालाष्टमी व्रत 21 सितंबर को है। अष्टमी तिथि की शुरुआत 21 सितंबर रात 8:21 से हो जाएगी और इसकी समाप्ति 22 सितंबर को रात 7:50 पर होगी। ऐसे में 21 सितंबर की रात पूजन करना शुभ रहेगा। कालाष्टमी महत्व। मान्यता है कि इस दिन जो साधक काल भैरव की पूजा करते हैं, उससे नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और जीवन में खुशियां, शक्ति और समृद्धि आती है। भैरव जी की पूजा से भूत, पिशाच और काल भी दूर रहते हैं। कालाष्टमी व्रत करने से रुके हुए कार्य अपने आप बनने लगते हैं। कालाष्टमी पूजन विधि। कालाष्टमी के दिन रात के समय पूजा की जाती है। इस दिन काल भैरव की पूजा कर उन्हें जल अर्पित करना चाहिए, साथ ही भैरव कथा का पाठ करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव पार्वती की पूजा का भी इस दिन विधान है। भगवान काल भैरव का वाहन कुत्ता माना गया है, इस वजह से उसे इस दिन खाना खिलाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव के दिन पवित्र नदी में स्नान और पितरों का श्राद्ध और तर्पण भी किया जाता है और काल भैरव की पूजा में काले तिल, धूप, दीप, गंध, उड़द आदि का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। कालाष्टमी व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच कौन श्रेष्ठ है, इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद के समाधान के लिए दोनों सभी देवता और ऋषि मुनियों समेत शिवजी के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर सभी को लगा कि सर्वश्रेष्ठ तो शिवजी ही है। इस बात से भगवान ब्रह्मा सहमत नहीं थे। वो क्रोध में आकर शिवजी का अपमान करने लगे। उनकी बातें सुनकर शिवजी को भी क्रोध आ गया, जिसके परिणाम स्वरूप काल भैरव का जन्म हुआ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।